एक तरफ अर्धसैनिक बलों के जवान कश्मीर में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड जवान अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पहुंचे। इनका कहना है कि अगर सरकार ने इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो चुनाव में नतीजा भुगतने को तैयार रहे। कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में अर्धसैनिक बलों की लगातार जारी शहादत के बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर अर्धसैनिक बलों के हजारों रिटायर्ड जवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन्होंने सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाया। इनकी माने तो ये काम और जिम्मेदारी तो सेना की तरह निभाते हैं, लेकिन सरकार वेतन और सुविधाओं के मामले में सौतेला व्यवहार करती है। हमारे जवान कोई दिन बाकी नहीं जाता जबकि शहीद नहीं होता, सिर्फ देश के लिए शहीद होता है। जवानों का मनोबल डाउन होता जा रहा है क्योंकि उनके पास न तो पेंशन है और न ही कोई सुविधा है, न कोई शहीद का दर्जा है। सरकार बोलती है कि एनपीएस में कोई घाटा नहीं है। एनपीएस यदि अच्छी स्कीम है तो उसके एमएलए एमपी को ये स्कीम उनके ऊपर क्यों नहीं लागू करती? आधे अधूरे सैनिकों को भी पूर्व सैनिक का दर्जा दे दीजिए, बहुत बड़ी बात। अर्धसैनिक बलों के जवानों की मांग है 2004 से बंद पुरानी पेंशन बहाल हो, सेना की तरह वन रैंक वन पेंशन मिले, कठिन हालात में तैनात जवानों को विशेष अर्धसैनिक पे मिले, सेना की तरह कैंटीन में जीएसटी से रियायत मिले, दूसरी सुविधाओं और सम्मान में भेदभाव बंद हो। जवानों को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय लोक दल के जैन चौधरी भी जंतर मंतर पहुंचे, जवानों के खराब हालत के लिए सरकार पर निशाना साधा। ओरोप को लागू करने के लिए पैरामिलिट्री के लिए जो हमारे 9 लाख जवान सीधा प्रभावित होंगे, 3 लाख रिटायर्ड हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, लगभग 3-4 हजार करोड़ में हो जाएगा। तो जो सरकार इससे ज्यादा रुपए अपने प्रचार में खर्च कर चुकी है, विदेशी दौरों में खर्च कर चुकी है, क्या पैरामिलिट्री जवानों के लिए नहीं खर्च कर सकती सर? इन जवानों ने राजनीतिक दलों को साफ कहा है कि वो अपने घोषणा पत्र में अर्धसैनिक बलों की मांगों को शामिल करें। वहीं इन रिटायर्ड जवानों ने कहा है उनके लगभग 20 लाख परिवार वाले का वोट उसी को मिलेगा जो उनके मन की बात सुनेगा। ये लोग जो है ना हमारे बारे में अर्धसैनिक बलों के बारे में अगर मेरे से पूछा जाए तो पिछले 5 साल में अर्धसैनिक बलों के लिए सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। अर्धसैनिक बलों की खराब हालत किसी से छुपी नहीं है, 50 डिग्री हो या -25 डिग्री, हर हालत में अर्धसैनिक बलों के जवान सरहद पर डटे रहते हैं। चुनावी साल है, उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार पर इन मांगों को लेकर दबाव बनेगा। देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले जवान अपने बेहतर कल के लिए सड़क पर हैं। इनके शौर्य और शहादत की गाथा इस बीच पूरे देश ने देखी है, अब जरूरत है इनकी समस्या को सुनने की। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।